ये देखिए इधर थोड़ा खाली मिल गया है, इधर थोड़ा आप लोगों को स्टिच करके दिखा देता हूँ मैं। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है यार, पापा ने थोड़ा बहुत ही थोड़ा क्या बहुत ही इंग्लिश हुआ है। हाँ तो गाइस आज हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि आज भाई फाइनली बाइक ट्यून होके मेरे पास डिलीवर होगा। और गाइस एक चीज़ मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा बाइक स्टेज टू में ट्यून हो रहा है, पर थोड़ा प्रॉब्लम आया है कि देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो मेरे साथ स्टेज टू के बारे में ही बात हुआ था, जो भैया ट्यून किया है शोरदा ने, तो स्टेज टू के बारे में ही बात हुआ था, पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, स्टेज टू नहीं हुआ है, वो हुआ है स्टेज वन प्लस ट्यून। क्योंकि जब ट्यूनिंग का प्रोसेस चल रहा था उस टाइम शोरदा ने देखा कि अगर जो स्टेज टू का पावर है वो अगर बाइक में इंस्टॉल होगा, बाइक में पुश होगा, तो शायद 200cc का इंजन है इतना पावर झेल नहीं पाएगा, इंजन लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है, रिलायबिलिटी लेके दिक्कत हो सकता है। तो मेरे को बोला कि स्टेज टू ना करने के लिए, तो मैंने भी देखा कि अगर रिलायबिलिटी लेके कुछ इशू हो रहा है स्टेज वन प्लस ही रहने देते, क्योंकि स्टेज वन प्लस और स्टेज टू में डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर ये एक लीटर क्लास बाइक होता, 1000cc का बाइक होता, उस टाइम वो फ़र्क महसूस होता, पर 200cc में उतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। 5-10% आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत फास्ट होगा। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ दो, स्टेज टू स्टेज वन प्लस ही रहने देते हैं, क्योंकि भाई बाइक को मेरे को ठीक रखना है, बाइक का इंजन के लेके कोई छेड़खानी नहीं करना है मेरे को, तो इसलिए स्टेज वन प्लस ही हुआ है और परम वो तो भी आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, मैं अभी निकलता हूँ। तो भाई मैं निकल गया वो और परम वो तो आ रहा है, तो जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई यार इस परम वो तो सुपर बाइक किधर है? इससे बहुत दर्द होता है बॉडी पे, इसके लिए ये दोस्त ले जाओ। तो ठीक है चलिए, बारिश ना हो बस। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं दिल्ली रोड बेलगुरा एक्सप्रेसवे पे। तो अभी तो शाम होने वाला है, एक ही चीज़ का डर है बारिश ना हो भाई, पूरा हो जाएगा सीन अगर बारिश हो जाएगा तो। तो गाइस ऑलरेडी आ गया हूँ और 13 मिनट्स लेफ्ट है और 4 किलोमीटर। तो रास्ते पे भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा, इधर थोड़ा खाली है, तो डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं उधर जाके। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं इधर अस्सी ट्यून्स, आप लोग देख सकते हैं, और बाइक दिखाता हूँ आप लोगों को। बाइक इधर मिल चुका है और समझिए कैसा लगा एकदम, मतलब अभी लग रहा है कि स्टेज टू वर्थ इट ट्रैफिक में दिक्कत होगा लेकिन हाईवे में मचा देगा फुल भाई। मतलब 2 दिन पहले जब टेस्ट रन के लिए मैंने चलाया था इसको, तब और अब जमीन आसमान, स्टॉक में भी मैं चलाया है, एग्जॉस्ट के बाद भी मैं चला है, 2 दिन पहले जब चला था एंड आज मैड, फुल मैड मशीन, आरसी से कंपेयर कर सकते हैं। और यार इस शोमासी टॉक्सिक, यस सर। तो थोड़ा थोड़ा थैंक यू सो मच। तो क्या क्या काम हुआ है बाइक में? सो इट वाज ऑलरेडी डन, लाइक वी डिड अ स्टेज 1 प्लस रीमैप, इट्स अ पल्सर एनएस, सो वी कैन नॉट पुश टू मच पावर, सो स्टेज 1 प्लस इज still aggressive, he already drove it, he loved it. अभी तो पूरा पागल हो गया है, पागल पूरा। Now the bike is like proper mad, and it also has a like proper full system free flow exhaust, so that will give much more power at the higher end. So yeah, kudos to Unsub, he's gonna enjoy it now. Thank you. So guys, bike मिल गया है और इधर शोमाशीष, टाटा बाय बाय। हाँ निकल गया हूँ घर की तरफ
और इधर रास्ते पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इधर से हम लोगों को लेना पड़ेगा बाईपास वीआईपी रोड, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर इतना ट्रैफिक रहेगा तो भाई हो गया आज का। गाइस बाइक पूरा पागल हो चुका है, पूरा पागल हो चुका है गाइस, क्या बताओ, इतना ज़्यादा पुल कर रहा है बाइक, इतना ज़्यादा इनिशियल से ही। और अभी तो मेरा जो स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट थोड़ा बिगर साइज़ है, 44 का है, पर मेरे को बोला है कि छोटा एक साइज स्प्रॉकेट डालने के लिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, आरएस का जो है, आरएस का स्प्रॉकेट ऑलरेडी मेरा घर पे पड़ा हुआ है, तो वो डालने के बाद मैं एक बार चेक करूँगा कि क्या परफॉर्मेंस दे रहा है क्या नहीं। पर इसके साथ भी भाई अपने सोमाशिष्ट का रिएक्शन भी देखा है आप लोगों ने, पूरा पागल हो चुका है भाई, पूरा पागल हो चुका है, चला के जो मज़ा आ रहा है ना भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये बाइक अभी सिटी में चला के कोई मज़ा ही नहीं है ये बाइक को। ये बाइक लगे अभी हाईवे पे जाओ, खींचो, इसका मज़ा लो। और दो स्टिकर मिला है मेरे को सुपर चिप्स की तरफ से, जो कि मेरे को लगाना है बाइक पे। थोड़ा अगर एक छोटा सा भी खाली स्ट्रेच मिल जाएगा तो आप लोगों को मैं पुल करके दिखा दूंगा कि कैसे पुल कर रहा है बाइक। ये देखिए इधर थोड़ा खाली मिल गया है, इधर थोड़ा आप लोगों को स्ट्रेच करके दिखा देता हूं मैं। 54, अरे यार जगह नहीं मिला, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पावर गेन हुआ है, कितना पावर गेन हुआ है। आप लोग ने देखा है कि फास्ट गियर पे बाइक 54 गया है, वो भी एक 44 वाला स्पॉकेट से। टॉप स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है मेरे को ये बोला है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा मेरे को कि सच में ही इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। पर फास्ट गियर में तो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि स्टॉक में 48 जाता था, अभी 54 हुआ है, वो भी 44 वाला एक स्प्रॉकेट के साथ। तो कल ही मैं आरएस का जो स्प्रॉकेट है वो इंस्टॉल करूँगा, दिखूँगा कि क्या परफॉर्मेंस निकल रहा है। मेरे को बोला है कि छोटा स्प्रॉकेट लगाने के लिए तो टॉप स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा होगा, तो दिखना पड़ेगा वो। सो गाइस ऑलरेडी आ गया हूँ आईटीसी रॉयल बंगाल के सामने, और भाई इधर का नज़ारा कुछ अलग है, और इधर से पोरम्बो तो भी थोड़ा चलाएगा। हाँ ओके ओके ओके, तो इधर से पोरम्बो तो थोड़ा चलाएगा बाइक को, मज़ा लेगा बाइक का। मैं अभी चला जाता हूँ पल्सर 180 पे। गाइस पोरम्बो तो अभी मज़ा ले रहा है बाइक का, ए रहा मेरा बाइक भाई, क्या लगता है भाई जब रोल होता है भाई, अलग ही लगता है, अलग ही लगता है भाई। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है यार, परफॉर्मेंस तो बहुत ही थोड़ा गया, बहुत ही इंग्लिश हुआ है। हाँ लाउडनेस ही बढ़ गया एक गज का। अच्छा किसी तरह हो रहा है, और बहुत स्मूथ भी हो रहा है, इससे पहले भी इतना प्रॉब्लम था। हाँ वो भी नहीं हो रहा है, मतलब सब आरपीएम पे बहुत स्मूथ गाड़ी बीच में पिकअप ले रही है। थोड़ा खाली मिल जाएगा तो स्ट्रेच करके देखना। हाँ लेकिन यहाँ पर तो पुलिस हो जाएगी। अरे पुलिस कुछ नहीं बोलेगा। तो गाइस अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज, तो अभी निकलता हूँ घर। आज का वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और बाइक तो ट्यून होके आ गया है मेरे पास ऑलरेडी, तो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गया है आज और लेट भी हो चुका हूँ मैं, तो अभी फटाफट जाता हूँ घर। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। और इस बाइक के ऊपर बहुत सारा कंटेंट आएगा अभी, बहुत ही यूनिक यूनिक कंटेंट आएगा, तो वो सब देखने के लिए मेरा चैनल, ये जो आप लोग दिख रहे हैं काउंटलेस ओडो, मेरे को पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं क्योंकि अंधेरा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।